वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसके बहाव क्षेत्र के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और पिछले जो वीडियो रहे हैं उसमें हमने भारत के भूगोल को बारे में बहुत सारी बातें सीखी है, जैसे कि गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र की हमने बात लास्ट वीडियो में करी थी। और इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसके बहाव क्षेत्र को समझेंगे और साथ ही कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बहाव क्षेत्र को इसका समझें। तो जो भारत का नक्शा है, तो भारत का एक रफ मैप मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि वहां से हमें समझने में आसानी हो जाए कि ये उद्गम और इसका जो संगम है वो कहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत में एक जगह पड़ती है, मानसरोवर झील। तो वहां से इसका उद्गम माना जाता है। और वहां से भी स्पेसिफिक बात करें तो वहां पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। तो एक झील का नाम है मानसरोवर झील। तो ये है मान सरोवर झील। तो मानसरोवर झील से उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और ये नदी का उद्गम के बाद इसका जो भारत में प्रवेश है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश में भी जिस दर्रे से भारत में इसका प्रवेश हो रहा है, इस दर्रे का नाम महत्वपूर्ण है, यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांग याप दर्रा। दर्रा क्या होता है? संकरे रास्ते होते हैं, जो बड़ी ऊंची चोटियां होती है उनके बीच में आसपास उस क्षेत्र में जाने के लिए एक सकड़ा रास्ता होता है। जैसे कि ये दो पर्वतमाला है, एक पर्वतमाला है एक पर्वत, तो बीच में जो जाने का रास्ता है उसी को दर्रा का कहते हैं। तो इसी प्रकार के एक दर्रे से किसका प्रवेश हो रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का कहां पर प्रवेश हो रहा है? भारत में। और कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के बाद ये नदी आसाम राज्य में बहती है, और आसाम के बाद ये बांग्लादेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में अपना ये जल लेके जाती है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। पर बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले बहुत सारी नदियां ऐसी है जो इसमें आकर मिलती है। तो उसमें कुछ सहायक नदियों की हम बात करेंगे। तो एक सहायक नदी है, जैसे दिबांग, एक इसकी सहायक नदी है दिबांग। एक है धनसरी। धनसरी, धनसरी इसकी एक सहायक नदी है। उसी तरह एक सहायक नदी है बराक नदी, बराक नदी। तो इस तरह से कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो बाई तरफ से इसमें आकर मिलती है। तो दिबांग, धनसरी, बराक और साथ में एक और नदी का नाम ध्यान रखना, लोहित, लोहित नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। तो जैसे नदी इस बहाव क्षेत्र में है, इस तरह से बह रही है, तो हम इसकी डायरेक्शन में खड़े होकर देखें तो ये सब नदियां इसकी बाई तरफ से इसमें आकर मिल रही है। तो ये बाई तरफ से सहायक नदियां हैं। कौन से साइड से हैं? बाएं तरफ की सहायक नदियां। उसी तरह यहां पर कुछ और नदियां इसमें आकर मिलती है, जैसे कि एक नदी जो महत्वपूर्ण नदी है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण भी है, वो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी विवाद का कारण किस प्रकार है कि जैसे ये नदी भारत के बाद बांग्लादेश में जाकर इसमें मिल रही है। तो अब ये जो पूरा क्षेत्र है, असम वाला क्षेत्र जहां से ये आ रही है, तो अब ये असम में क्या है कि चावल बहुत अधिक उगाया जाता है, तो इस नदी का पानी का प्रयोग यहाँ पर कर लिया जाता है, इस पूरे एरिया में कर लिया जाता है। तो जब इस नदी के पानी का प्रयोग करेंगे तो इसका बहाव आगे कम रहेगा। और बांग्लादेश ने उसी चीज पर विवाद खड़ा कर रखा है कि हमारे पास जो है तीस्ता नदी का पानी पहुंच नहीं पाता और भारत उसका पूरा प्रयोग करता है, तो इसलिए यहाँ पर एक विवाद का कारण है भारत और बांग्लादेश के मध्य। उसी तरह एक और आसाम में एक मिलने वाली नदी है मानस, मानस नदी। और एक और नदी है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, जो दाई ओर से सहायक है सुबनसिरी, मानस और तिस्ता, और बाई तरफ से दिबांग, लोहित, धनसिरी और बराक। और बराक नदी भी इसमें बांग्लादेश में ही मिलती है, हालांकि भारत में जो है इस पर एक नेशनल वाटरवे है 6 नंबर,
तो 2016 में जो बना था उसकी भी हम बात करेंगे, पर अभी इसका एक रोड मैप है कि इस तरह से इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से। और यहाँ पर मानसरोवर झील में भी स्पेसिफिक बात करें तो ये जगह है तिब्बत में। कौन सी जगह है ये? तिब्बत। और तिब्बत में भी जो ग्लेशियर का नाम है वो है चेमा डुंगयुंग ग्लेशियर। तो वो बेसिक जानकारियों में अपन लिखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ। तो उद्गम उद्गम जो है मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत, या फिर हम स्पेसिफिक बात करें तो कौन सा ग्लेशियर को नाम हमने बोला था, चेमा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंग चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है जहां से इसका उद्गम होता है। और संगम कहां पर जाकर ही मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो संगम कहां है? बंगाल की खाड़ी में। बहाव क्षेत्र क्या है इसका? बहाव जो है वो दो राज्यों में, एक तो अरुणाचल प्रदेश में, एक तो अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा है असम राज्य में। और अरुणाचल प्रदेश में जो भारत में प्रवेश होता है इसका, वो एक दर्रे का नाम हमें ध्यान रखना है। कौन सा दर्रा है वो? वो है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। तो भारत में जो प्रवेश है या फिर अरुणाचल प्रदेश में जो इसका प्रवेश है वो यांग याप दर्रा जो है। और इस नदी का एक उपनाम हमें ध्यान रखना है, उपनाम जो है इसका वो है असम का शोक, असम का शोक। तो प्रश्न आता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। असम का शोक का क्या मतलब है? कि ऐसी जगह जहां पर ये दुख का कारण बने। दुख का कारण का क्या मतलब है? कि पानी तो दे रही है पर जब अधिक मात्रा में इसमें जल उपलब्ध हो जाता है तो बाढ़ के आसार बन जाते हैं, और असम में भारी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बन जाता है, इसलिए इसको असम का शोक कहा जाता है। वैसे ही जैसे जो रांची के पठार से एक नदी निकलती है दामोदर नदी, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में, उसके कारण वहां पर बाढ़ की स्थिति होती है। वैसे ही बिहार में कोसी नदी जो है वो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक की संज्ञा दी गई है। और इसके कुछ नाम हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग स्थानों पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत जो है क्षेत्र है तिब्बत, तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है, सांगपो सांगपो नदी। तो तिब्बत क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी। सांगपो का मतलब होता है उस क्षेत्र में शुद्ध करने वाला, जो सब चीज को शुद्ध कर दे, तो तिब्बत में सांगपो। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी इसका अलग नाम है, अरुणाचल में इसका नाम है दिहांग नदी, दिहांग नदी। तो ये सब किसके नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी के। अरुणाचल में इसको दिहांग, असम में तो ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, असम में तो ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, पर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश, तो बांग्लादेश में प्रवेश के समय अलग नाम है और समाप्ति जब बांग्लादेश में होती है, यानी कि यहां प्रवेश किया बांग्लादेश में और यहां इसकी समाप्ति है बंगाल की खाड़ी, तो जब यह प्रवेश कर रही है तब तो इसका नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना। और जो बांग्लादेश में इसकी समाप्ति होती है, बांग्लादेश में जब अंतिम इसका पड़ाव होता है समाप्ति का, तो वहां पर इसका नाम हो जाता है मेघना, मेघना। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो नदी है ये दो और नदियों में मिल जाती है, एक तो पद्मा, इसमें एक और नदी मिल जाती है पद्मा, और एक ये जमुना। तो पद्मा और जमुना मिलके इसका नाम हो जाता है मेघना। तो जमुना तो यही है, ठीक है, इधर से एक गंगा नदी आती है, उसके बाद उसका नाम यहाँ पे बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है, तो वो भी इसमें आके मिलती है, तो उसके बाद इसके बाहु क्षेत्र को मेघना कह दिया जाता है। तो ये किस नदी के नाम है? अन्य नाम जो है ये इसी नदी के है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी के। तो ये अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है।
साथ ही कुछ और चीजें बात करें कि ये जो नदी जिसका बहाव क्षेत्र आसाम राज्य में है, तो आसाम के अंदर इस नदी के किनारे, आसाम में इस नदी के किनारे दो सिटी स्थित है, दो सिटी स्थित है। एक सिटी का नाम है गुवाहाटी, एक तो सिटी का नाम है गुवाहाटी। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं कि असम में इस नदी पर दो नगर है, एक तो गुवाहाटी गुवाहाटी एवं दूसरा है डिब्रूगढ़ स्थित है। तो दो नगर महत्वपूर्ण है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, दोनों कहां पर है, इस नदी के किनारे पर स्थित है। और साथ में इस नदी ने असम में एक जो है नदी द्वीप बना रखा है। नदी द्वीप का क्या मतलब है कि जैसे ये नदी आई और इस नदी का बहाव क्षेत्र इस तरह से दो शाखाओं में बढ़ जाता है, इस तरह से दो शाखाओं में बढ़ जाता है, और बीच में जो स्थिति है वो एक उठा हुआ भाग रह जाता है। तो जब भी कोई ऐसा स्थल वाला भाग जो आसपास पानी से घिरा हो तो उसको हम द्वीप की संज्ञा दे देते हैं। पर ये द्वीप समुद्र ने ना बनाकर किसने बनाया, नदी ने, तो इसको नदी द्वीप। और इसका नाम क्या है, माजोली, माजोली नदी द्वीप का निर्माण होता है। और माजोली नदी द्वीप की एक संज्ञा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजोली नदी द्वीप। कहां पर है, आसाम, असम में ये है, असम में। किसके द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो नदी है, ये माजोली जो नदी द्वीप इसके द्वारा बनाया गया, तो ये माजोली नदी द्वीप को जो असम सरकार ने हाल ही में एक जिला भी इसको घोषित कर किया है, तो माजोली द्वीप को असम राज्य द्वारा जिला घोषित किया है, जिला घोषित किया है, जिला घोषित किया है। तो ये इसके द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण संरचना है माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप बनाने से पहले ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत में इस नदी पर एक बांध का नाम आता है, यारलांग सांगपो बांध। तो यारलांग सांगपो बांध जो है, और वो है तिब्बत में, और एक और बांध हमें ध्यान रखना है, जेम जल विद्युत परियोजना। तो ये दोनों, ये भी क्या है, तिब्बत में है। तो इस नदी पर चीन द्वारा तिब्बत में दो नदी परियोजनाएं हैं, एक तो यारलांग सांगपो, एक जेम जल विद्युत परियोजना। तो दो हमें ध्यान रखना है, एक तो एक बांध का नाम है क्या है, यारलांग सांगपो बांध, कहां पर है, तिब्बत में, और एक परियोजना है, परियोजना जैम जल विद्युत परियोजना, दोनों ही कहां है, तिब्बत में, और दोनों ही जो है किसके सहयोग से चल रहे हैं, चीन के सहयोग से। तो यारलांग सांगपो और जेम जल विद्युत परियोजना, ये क्या है, केवल इसको चीन की चाल कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये नदी भारत में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर अगर अपन इसमें एक बांध बना देंगे या फिर कोई जल विद्युत परियोजना बना देंगे, तो जैसे ये बांध जो बनाया गया है यारलांग सांगपो बांध, अब ये जो बांध यहाँ पे बना देंगे तो इसका पानी यहीं पे रुकेगा और भारत में इसका प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो ये बांध है, ये यारलांग सांगपो जो बांध है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। ये बांध विवाद का कारण क्या है, यारलांग सांगपो बांध है,
ये भारत भारत बांग्लादेश नहीं, सॉरी, भारत और चीन के मध्य, क्योंकि चीन ने बनाया, भारत एंड चीन के मध्य विवाद है इस पे। और उसी तरह जेम जलविद्युत परियोजना है, इस पे भी जो है, क्योंकि इसकी ऊंचाई काफी अधिक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह परियोजना है। तो जेम जलविद्युत परियोजना, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है पूरा हिमालयन क्षेत्र है, और हिमालयन क्षेत्र में हमने देखा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर मिलती है, तो ये काफी ऊंचाई पर होने के कारण ये जो है परियोजना है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना मानी जाती है, जेम जलविद्युत परियोजना, जो कहाँ पर है, तिब्बत में, और किसके सहयोग से है, चीन के सहयोग द्वारा तिब्बत में ये बनाई गई है। तो ये यारलांग सांगपो बांध जो है, ये हमें ध्यान रखना है कि भारत और चीन के मध्य विवाद का कारण है। उसी तरह यहाँ पर अगर बात करें इस नदी के बारे में उस संदर्भ में, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसकी बात करते हैं सहायक नदियों के बारे में। तो ब्रह्म पुत्र नदी की सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज, दो नाम आते हैं, एक तो ट्रिब्यूटरी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि ऐसी नदी जो उसमें जल लेकर जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी नदी यानी कि वितरिका, जो उससे जल निकालती है। अगर कोई नदी है उसमें आकर एक नदी आकर मिली तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, यानी उसकी सहायक नदी, और उस नदी से कोई नदी जल निकाल कर ले जाती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिका, उस नदी की वो वितरिका है। तो हमने इसको दो भागों में बांट कर देखना है, एक तो दाई ओर की सहायक नदियां, दाई ओर की, और एक है बाई ओर की सहायक नदियां। तो बाई ओर की सहायक नदियों में हमने महत्वपूर्ण नदी देखी थी, एक तो दिबांग, एक नदी है लोहित, एक नदी है धनश्री, धनश्री नदी। वैसे ही दाई ओर की जो नदियां हैं उसमें हमने बात करी थी सुबनश्री, एक थी मानस, और एक और नदी है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। तो दिबांग, लोहित और धनश्री, साथ में सुबनश्री, मानस और तीस्ता नदी। एक और नदी है धनश्री के बाद बराक नदी, इसकी भी हम बात करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो दिबांग, लोहित, धनश्री, बराक, सुबनश्री, मानस और तिस्ता। सबसे पहले देखते हैं दिबांग नदी को, पहले नंबर की है दिबांग नदी, दिबांग नदी। तो ये जो नदी है, हालांकि मिल तो ये किस में रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में, पर इसका जो बहाव क्षेत्र है वो, ये भी तिब्बत से आती है, तो इसका बहाव क्षेत्र भी तीन राज्यों में, एक तो तिब्बत हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, इसको मैं एपी लिख देता हूं, और एक असम। तो ये तीनों राज्यों में ये बहती है, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम, असम के बाद, क्योंकि असम वाले क्षेत्र में ये इसमें मिल जाती है, दिबांग नदी असम वाले क्षेत्र में इसमें मिल जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, और आती कहाँ से, ये भी है तिब्बत से, तिब्बत से आती है ये। तो ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पर मिल रही है, असम में। उसी तरह जो दूसरी नदी है लोहित नदी, लोहित नदी, इस नदी का जो उद्गम है वो मिश्मी की पहाड़ियों से होता है। जब हमने भारत का भौतिक स्वरूप देखा था तो उसमें हमने पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां थे उसमें असम में मिश्मी की, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी की पहाड़ियों की बात करी थी। तो अरुणाचल में जो पहाड़ियां हैं, अरुणाचल में पहाड़ियां, उनका नाम है मिश्मी, मिश्मी की पहाड़ियों से निकलकर असम में बहती है थोड़ा, और फिर असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से उद्गम है, मिश्मी की पहाड़ियों से। ये हमें ध्यान रखना है कि लोहित नदी, हालांकि ये भी दो राज्यों में बह रही है, अरुणाचल प्रदेश और असम में, उसके बाद किस में मिल रही है, लोहित नदी, ठीक है। अब इस नदी के बारे में एक तथ्य हमें ध्यान रखना है कि जो
2017 में इस नदी पर जो भारत का सबसे लंबा पुल है, ढोला सदिया पुल, जो सेतु बनाया गया था और भारत के पीएम ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था, तो वो इसी नदी पर है। तो इस नदी इसलिए ये नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अपने लिए कि इस पर जो सबसे लंबा पुल है वह है ढोला सदिया सेतु। कब देश को समर्पित किया ये? 2017 में पीएम मोदी द्वारा ये भारत को समर्पित किया गया और अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में स्थित है। और भूपेन हजारिका पुल भी इसका अलग से एक नाम दिया गया था, तो वो भी हम अन्य नाम भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल नाम दिया गया था। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम में जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहीं पर ये सेतु बनाया गया था, ढोला सदिया सेतु। हालांकि पहले क्या है कि घूमकर वहां के लोगों को आना पड़ता था क्योंकि काफी लंबा क्षेत्र है पूरा, वहां पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस पुल से वहां पर काफी कम समय में हम बहुत अधिक दूरी तय कर पाते थे क्योंकि बीच में जो नदी है वो लोहित नदी, इसको पार करना रहता है। तो ढोला सदिया सेतु 2017 में ये देश को समर्पित किया गया और इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु या फिर पुल रखा गया। तो ये हमें ध्यान रखना है लोहित नदी के बारे में। अगली नदी है तीसरे प्रकार की नदी, धनश्री नदी। धनश्री नदी, धनश्री नदी का जो बहाव क्षेत्र है ये नागालैंड और असम में है। तो पहले ये नागालैंड से निकलती है और नागालैंड में बहने के बाद असम में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये कुछ नदियां। अब चौथे प्रकार की नदी है बराक नदी। बराक की बात हम करते हैं, बराक नदी। तो बाईं ओर से मिलने वाली जो अंतिम सहायक नदी है जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है बराक नदी। तो बराक नदी जो है मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इस नदी में मिलती है। तो ये जो नदी है बराक नदी, तो जब बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी मिलने वाली होती है तब जाकर ये मिलती है, निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। तो मणिपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। यह नदी मणिपुर मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसका अगर बहाव क्षेत्र देखें ये नदी का, तो ये मणिपुर से तो निकलती है पर ये मिजोरम और मणिपुर की सीमा बनाती है। ठीक है, तो मणिपुर मिजोरम और मिजोरम के साथ असम की सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवाहित होती है। और उसके बाद अगर इसमें बात करें तो इसकी एक और बात है कि इस नदी पर एक नेशनल वाटरवे 6 जो भारत का है, भारत के 6 वाटरवे हैं, तो टोटल 6 में 3 तो नहरों पे है, जो तीसरा चौथा और पांचवा वो तो नहरों पे है। बाकी जो पहला और दूसरा है, तो पहला तो जो है वो गंगा नदी पर है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और तीसरा चौथा पांचवा लहरों पर। जो नेशनल वाटरवे 6 है, NW6, नेशनल वाटरवे 6, क्योंकि जो जलीय राजमार्ग है वो है इस नदी पर, बराक नदी पर नेशनल वाटरवे 6। तो भारत का हालांकि ये 121 किलोमीटर का सबसे छोटा जलमार्ग है, 121 किलोमीटर ओनली, भारत का सबसे छोटा जलमार्ग कौन सी नदी पर है? बराक नदी। अब भारत का है तो ये हालांकि जा तो बंगाल की खाड़ी में रही है, तो जो एक जगह है आसाम, बांगा जगह, तो लखीमपुर से बांगा के बीच में ये बना हुआ है। लखीमपुर से बना क्या हुआ है वहां पर वाटरवे है क्योंकि नदी में ही चलना है, तो लखीमपुर से बांगा, बांगा कहाँ पे है? असम में है। तो लखीमपुर से बांगा के बीच में ये वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 6 है। और 2016 में जो है
ये घोषित किया गया था। तो ये वाटरवे ध्यान रखना है। और हमने बात करी कि नेशनल जो वाटरवे फर्स्ट है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट वो है गंगा नदी पर, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है गंगा नदी पर। और गंगा नदी पर बात करें तो जगह है, एक तो प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था उसका नाम प्रयागराज जो हुआ, प्रयागराज प्रयागराज और कलकत्ता, प्रयागराज से कलकत्ता को ये जोड़ता है। और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग। तो नेशनल वाटरवे पहला कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। और नेशनल वाटरवे जो दो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी कहां पर है? सदिया से धुबरी के बीच में स्थित है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहां से कहां तक है? सदिया। और सदिया से धुबरी को जोड़ता है, धुबरी जगह है असम में, असम में, ठीक है। तो ये है नेशनल वाटरवे टू। तो नेशनल वाटरवे वन टू और नेशनल वाटरवे सिक्स, ये तीनों किस पे है? नदी पर। बाकी नेशनल वाटरवे थ्री, नेशनल वाटरवे थ्री, नेशनल वाटरवे फोर और नेशनल वाटरवे फाइव, ये तीनों नहरों पर है। ये तीनों किस पर है? नहरों पर। तो टोटल सिक्स वाटरवे है, टोटल जो है अभी तक टोटल नेशनल वाटरवे की संख्या है सिक्स। तो एक दो और सिक्स नंबर का, ये तीनों तो नदी पर है, एक तो गंगा नदी पर, एक ब्रह्मपुत्र नदी पर, एक बराक नदी पर। बाकी जो तीन है थ्री फोर फाइव वाला वो नहरों पर है। तो इस तरह से ये वाटरवे की बात आई थी तो मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं, हमने बाईं तरफ से इसकी सहायक नदियां देख ली, दिबांग, लोहित, धनसरी और बराक। दिबांग नदी तिब्बत से आती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बहती है। लोहित नदी मिश्मी की पहाड़ियों से निकलती है और असम में आकर इसमें मिल जाती है। उसके बाद हमने बात करी धनसरी नदी की, धनसरी नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, सॉरी धनसरी नदी जो है नागालैंड से निकलती है और असम में किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। और बराक नदी जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पर इसमें मिलने से पहले ये नदी क्या करती है? सीमा बनाती है मणिपुर मिजोरम की और मणिपुर आसाम की। तो वो सीमा बनाती है ये नदी और उसके बाद किस में मिलती है? बराक, जिस पे हमने देखा कि नेशनल वाटरवे सिक्स भी स्थित है। अब बात करेंगे इसकी कुछ और सहायक नदियों की, जिसमें एक है सुबनसिरी, सुबनसिरी, दूसरी है मानस नदी और तीसरी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो दाई ओर से सहायक नदियां हैं। तो सुबनसिरी जो नदी है वो नदी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश आसाम राज्यों में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी सुबनसिरी है। और बहाव क्षेत्र इसका है तिब्बत से आती है, तिब्बत, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम। तो तीन दो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और असम, और तिब्बत से ये आती है और इसके बाद किसमें मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र में। वहीं मानस नदी की बात करें तो ये भी तिब्बत से आती है और उसके बाद भूटान देश में बहती है और उसके बाद असम में आकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और तीस्ता नदी ये सिक्किम से आती है, सिक्किम, उसके बाद भारत में पश्चिम बंगाल, पहले भारत में सिक्किम में बहती है फिर पश्चिम बंगाल में बहती है, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जाके ये मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये नदी जो है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उसके बाद कहाँ प्रवेश कर रही है? बांग्लादेश में। तो जो पश्चिम बंगाल और असम का जो बॉर्डर है वहां पर, जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है और असम वाला जो क्षेत्र है वहां पर काफी अधिक जो है चावल काफी अधिक बोया जाता है,
तो मुख्यतः पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, तो वहां पर चावल बहुत अधिक बहने के कारण जो है वहां पर इस नदी का पानी का यूज बहुत अधिक किया जाता है। तो इसलिए ये जो नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। तो भारत और जो बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में जा रही, तो यहाँ पर ये आवाज उठाते हैं कि भारत इसके पानी का ज्यादा उपयोग करता है। तो बांग्लादेश भारत के बीच जो है जल विवाद है, जल विवाद कौन सी नदी के कारण है? तीस्ता नदी के कारण। तो इस तरह से इसकी सहायक नदियां हमने देखी, ये इसकी दाईं ओर से सहायक नदियां और बाईं ओर से सहायक नदियों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक था जो हमने बात करी कि कौन सी नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है कि एक शब्द ध्यान रखना है, रेंप घाटी। कौन सी घाटी? रेंप घाटी। तो भारत की एकमात्र नदी जो रेंप घाटी में बहती है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की एकमात्र रेंप घाटी में बहने वाली नदी, रेंप घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, रेंप, REMP, रेंप। ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस नदी के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास हो सकती थी वो हमने जुटाई और इस वीडियो में डाली। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी का टॉपिक, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोस आती है वो आप तक पहुंच सके। अब जो अगला टॉपिक रहेगा, हमने उत्तर भारत के जो नदी तंत्र थे तीनों, एक तो सिंधु नदी तंत्र का एक वीडियो पूरा देखा था, और उसके बाद गंगा नदी की बात करी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी की हमने सीखा इसमें। अब अगला जो वीडियो रहेगा भारत के भूगोल से संबंधित, उसमें अपन प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो भी भ्रंश घाटी में बह रही है, और कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, कुछ अरब सागर में, उन सब के भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद साथियों।